हस्बैंड बहुत वीक होते हैं, ये जो आउटर एक कवरिंग होती है ना, दे डोंट नीड इट. जी दे नीड इट, लेकिन दे नीड इट बिहाइंड क्लोज डोर्स. वक्त हुआ है हमारे मेहमान से मुलाकात का. इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सईदा तस्मीरा, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं हाउस ऑफ वेलनेस की. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम जी. तस्मीरा, मैं आपसे एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, या लोग अब उसके बारे में कंसर्न भी हैं, और शायद पहले इतना ये इशू नहीं भी था. इसलिए कि जब सोशल मीडिया आ गया और हर शख्स के हाथ में फ़ोन है और इजी एक्सेस है, और इसी तरह हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के अलावा हमारी ख्वातीन और मर्द हजरात ऑफिसेज में हर जगह एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, वो इकट्ठे मिलके काम कर रहे होते हैं, तो इनफिडेलिटी यानी कि जो चीटिंग के केसेस हैं वो हमें बहुत नज़र आना शुरू हो गए हैं. तो आप मुझे बताएं कि ये जो हस्बैंड और वाइफ चीट करते हैं एक दूसरे को, इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और फिर हम उसके मुताबिक फर्दर लर्न करें आपसे. देखिए, किसी भी मॉरल कोड, वो मॉरल कोड रिलीजियस भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, के मुताबिक एक कमिटमेंट होती है, हर चीज़ की होती है. सही. और उसी तरह से ये कमिटमेंट रिलेशनशिप्स में भी होती है. जैसे माँ और बेटी की भी होती है, कमिटमेंट होती है कि ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये आपके राइट्स हैं. सही. जब आप छोटे हैं तो मैं उंगली पकड़ के चलाऊंगी, जब मैं बूढ़ी हूँ तो आप अपना हाथ देंगे. अनरिटन है, बट दीज आर कमिटमेंट्स. इसी तरह के कमिटमेंट्स ऑपोजिट सेक्स में भी होते हैं और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में भी होते हैं. इंस्टीट्यूशन से बाहर भी होते हैं और इंस्टीट्यूशन के अंदर भी होते हैं. सही. अब इंस्टीट्यूशन के अंदर जब होते हैं और आप कमिट करते हैं, यानी कि बाकायदा आप कॉन्ट्रैक्चुअली उसको साइन करते हैं, आई कमिट टू ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके साथ जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें मैं वो पूरा करूँगी या करूँगा. जब उस कमिटमेंट से बाहर निकल जाते हैं, अनफेथफुल हो जाते हैं उन प्रोमिसज़ की तरफ जो हमने किए होते हैं किसी मॉरल कोड को फॉलो करते हुए, दैट इज़ द टाइम जब ये इनफिडेलिटी के ज़ुमरे में आ जाती है बात, कि नाउ वी आर चीटिंग ऑन टू द प्रोमिसज दैट वी मेड टू अ सर्टेन पर्सन, इंस्टीट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट. सही बात है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसमें क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जब ऐसे इश्यूज आते हैं चीट करने के. प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे फिजिकल से शुरू करते हैं, साइकोलॉजिकल पे जाएंगे, सोशल पे जाएंगे. देखिए, कुछ लोग जो हैं उनको फिजिकल इंटिमेसी की ज़्यादा ज़रूरत होती है. अच्छा. जेंडर बेस्ड है, मेल्स को वैसे भी फीमेल से ज़्यादा होती है. सही. ठीक है, इसमें अब मैं ये एक अनपॉपुलर नोशन को सामने ला रही हूँ कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मर्दों के लिए एक सोल्यूशन है पॉलीगैमी. बिल्कुल, हमारी जो है शादी की इजाज़त इसीलिए दीन में रखी गई है. जी हाँ, अब सारी ख्वातीन मेरे अगेंस्ट हो जाएंगी और वहाँ मुझे ये बताना है कि ख्वातीन के पास ये राइट मौजूद है. बिल्कुल ये राइट मौजूद है, वो इस तरह से मौजूद है कि अगर आपको किसी का चेहरा भी नहीं पसंद, सो यू कैन वॉक आउट ऑफ द मैरिज एंड गेट इन टू अनदर रिलेशनशिप ऑफ मैरिज. ठीक है. और मर्दों के पास पॉलीगेमस वो मौजूद है, लेकिन ये मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूंगी, क्या ये फर्स्ट चॉइस होगी, क्योंकि आजकल हमारे लड़के लड़कियां इतने कई दफा रिलेशनशिप्स में ब्लंट हो गए हैं. जैसे हमारे पहले लोग थे वो ये करते थे कि ट्रायल एंड एरर पे काफी अरसा जाते थे, सबर करते थे, अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे. लेकिन आजकल क्या है, अगर आपको नजर आए कि कोई चीट कर रहा है, या ये कि आपको लग रहा है कि आपकी नीड ज्यादा है, तो आप फौरन खत्म करके दूसरी तरफ. नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. ये पहली चॉइस नहीं होती, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट चॉइस है. ठीक है. ठीक है, ये कहना बहुत आसान है पॉलीगेमी के बारे में, ये करना बहुत मुश्किल है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मेनी मोर थिंग्स जो इसके साथ जुड़ी हुई होती है. हमारे दीन में भी जैसे है कि बराबरी का सलूक करना. जी हाँ, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. बच्चे कह रहे होते हैं आप उसे ज्यादा प्यार करती हैं, मतलब ये ऐसा मुमकिनात में से नहीं है, लेकिन फिर भी ये आ रही होती है चीज. तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. इट्स अ डिफिकल्ट चॉइस, इट्स नॉट इजी, एंड इट्स आल्सो द लास्ट चॉइस. और इसके बहुत से रीजंस होते हैं जिससे इस पे आना चाहिए. उससे पहले बहुत सी चीजें होती हैं. उससे पहले ये होती है कंपैटिबिलिटी. हम कोई कंपैटिबिलिटी टेस्ट नहीं करते, आराम से चंद चीजें होती हैं.
अटेंशन, एक्नॉलेजमेंट. जब भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है और लगता है जी रिलेशनशिप में अब इम्बैलेंस है, हर रिलेशनशिप गिव एंड टेक है. इस वक्त मेरा और आपका भी, आप कोई सवाल पूछ रही हैं, आपको मुझसे कुछ चाहिए, जवाब चाहिए, मुझे आपका ये हेड नॉडिंग भी चाहिए. दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फैक्ट कि आप मुझे एक्नॉलेज कर रही हैं मेरी बात को. जब ये छोटी छोटी चीजें मिस होना शुरू हो जाती हैं, तब रिलेशनशिप इम्बैलेंस का शिकार हो जाता है. ये एक दिन एक दम नहीं होता कि हस्बैंड ऑफिस में गया है और वो चीट कर रहा है, या वाइफ जो है वो किसी के साथ इंगेज हो गई है. ये बहुत पहले से सिलसिला चल रहा होता है, बिल्डअप होता है. कोई शख्स गैप छोड़ता है, ठीक है, तो फिर किसी और के थ्रू गैप फिल करवाया जाता है. सोशल फैक्टर्स कौन से होते हैं सिलसिले में जनाब? सोशल फैक्टर एक आपने जिक्र कर दिया है, सोशल मीडिया का. जब भी आपकी तस्वीर आएगी तो वो मुस्कुराती भी आएगी और आपकी वेकेशन की आएगी. बिल्कुल सही. ठीक है, मैं ये नहीं देख रही कि इस वक्त आप बैठी हुई हैं और यू आर वर्किंग, आई एम सीइंग कि आप वेकेशन पे हैं. बिल्कुल सही. अब यही वाली सारी चीजें जो है ना, द फैमिली इज आउट ऑन अ वेकेशन, हस्बैंड वाइफ के साथ हैं, और ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऐसा नहीं है. सही. ये बहुत एक, और शादी से पहले इसके बारे में एजुकेट नहीं किया जाता, कभी भी एजुकेट नहीं किया जाता. सिर्फ एजुकेशन इसी बात की होती है कि कपड़े क्या पहनेंगे, या उसके बाद आपके कपड़े स्त्री रहेंगे, इस तरह की कोई आ जाएगी. या लड़की के लिए होता है कि जो चीजें, जो पहले चीजें वर नॉट अलाउड, उन चीजों का लाइसेंस आपको मिल जाएगा. तो जो स्पाउसेस होते हैं उनको क्या स्किल्स आने चाहिए, शादी से पहले क्या एजुकेट करना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए? देखिए, बहुत से स्किल्स आने चाहिए. सबसे पहले कि टाइम फैक्टर को समझिए. वी से थिंग्स, अगर वही बात शायद हम दो मिनट बाद कहें तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे भी हो और हमारे लिए भी बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट निकले. उसका इम्पैक्ट हो. नंबर टू, सिचुएशंस चेंज होती हैं, लोग इवॉल्व होते हैं. सब्र, दैट इज नॉट टॉट. ये अचानक यू जंप इन टू अ मैरिज, अभी तो आपने दूसरे को समझा भी नहीं है. गिव टाइम टू द अदर पर्सन और गिव टाइम टू योर सेल्फ एज वेल. बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं आपको पता भी नहीं होता अच्छा आप ऐसे बिहेव करेंगे, क्योंकि उससे पहले ऐसी सिचुएशन नहीं आई हुई होती. उससे पहले आप एक अलग यूनिट होते हैं, अब आप मिल के एक यूनिट का हिस्सा होते हैं. इट्स डिफिकल्ट एंड इट्स डिफरेंट. गिव योर सेल्फ द टाइम एंड गिव द अदर पर्सन द टाइम. अब ये है जो ये एक हिजान बरपा हो चुका है, यू नो इट्स माई लाइफ वाला कॉन्सेप्ट. रिलीजन हमारा डिफरेंट कैसे, उसमें गिविंग का कॉन्सेप्ट है. बिल्कुल सही बात. वंस यू फोकस मोर ऑन गिविंग, तो आप लेने से ज्यादा जब देने पे फोकस करने लगते हैं, ऐसा नहीं है आपको सिर्फ देना पड़ता है, जब आप देते चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता कब वो आपके पास वापस आना शुरू हो जाता है. अच्छा, ये एक वाइफ है जी, मैं वैसे वाइफ की एग्जांपल ले रही हूँ लेकिन ये हस्बैंड भी हो सकता है, और उसको अपने स्पाउस कह लेते हैं. चले, एक स्पाउस को दूसरे स्पाउस से बहुत मोहब्बत है और उसको लगता है कि बस मेरी कुल कायनात ये है, और एक दिन उसके ऊपर जब बम फटता है कि उसका स्पाउस चीट कर रहा है किसी तरह से भी, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ना उसे जैसी उसे इतला मिली है, मसलन फर्ज करें उसने लैपटॉप पे हिस्ट्री में देख लिया, ऑफिस से कोई खबर मिली, कहीं देख लिया इधर उधर, कहीं उनको डिनर पे देख लिया, या किसी ने इतला दे दी, तो क्या इमीडिएट क्या करना चाहिए? सबसे पहली फीलिंग जो आती है ना, वो ह्यूमिलिएशन की आती है और बिलिटलिंग फीलिंग आती है, और उसके बाद आती है कि वेयर आई एम नॉट इनफ. अच्छा, अगर फीमेल्स है ना, वो क्वेश्चन करने लगती हैं फौरन अपनी फिजिकल अपीयरेंस को. अच्छा. अपनी प्रेजेंस को. मेल अपनी मेलनेस को क्वेश्चन करने लगता है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. और फाइनेंसेस का भी एक फैक्टर जो है आ जाता है, सोशल फैक्टर. उसके बाद नेक्स्ट फीलिंग ये आती है कि एंगर आता है. एंगर के साथ जुड़ा हुआ एग्रेशन आता है. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कहीं सेल्फ ब्लेम भी आ जाता है. समथिंग दैट आई डिड नॉट डू राइट. और हमारी सोसाइटी भी तो बता रही होती है कि मर्द को क्या करना चाहिए और औरत को क्या करना चाहिए, और तुमने ही कुछ किया होगा. स्पेशली लेडीज को बताया जाता है, तुमने कुछ किया होगा, या खवातीन में ये होता है कि तुम्हारा मर्द क्यों बाहर गया, ना तुम देखो, और तुमने नजर नहीं रखी. सही. और अगर ये सारा कुछ ना हो तो ये होता है कि इस बारे में कि मर्द है, मर्द तो ऐसा करते ही हैं. इन सेल्फ ब्लेम या फिंगर पॉइंटिंग के बजाय जो चीज करनी चाहिए वो ये है कि आप सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखें. सही. कहीं क्या कोई गैप था? सही. क्या
आप अटेंशन नहीं दे पा रही थी या उनकी नीड ज़्यादा थी, सही, कहीं इम्बैलेंस था, सही, या कहीं कोई भी फैक्टर बीच में आ रहा था। कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि बच्चे की पैदाइश, कभी दूसरे सिनेरियोज़ में कोई एबनॉर्मल बच्चा बीच में आ जाए, इन अदर सिनेरियोज कभी ओल्डर जेनरेशन की टेक केयर करनी हो, कभी फिजिकल टायर्डनेस आ जाती है फीमेल की तरफ भी मेल की तरफ भी। वो अपने तरफ से समझ रहे हैं हमें एक ब्रेक मिल रहा है कि हम किसी से बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, एक वही बात है, स्पाउस को पता चला, अब उसको पहली दफा अपने पार्टनर से बात करनी है सिलसिले में, जी जी, तो वो कैसे बात करें क्योंकि वो तो फट जाते हैं। जी बिल्कुल, यही गलत होता है, फट जाना इज द एंड। ठीक है, फट जाने के बजाय गिव योर सेल्फ द टाइम कि आपके आपको खुद शॉक लगा है, उस शॉक रिकवरी का टाइम खुद को भी दीजिए और देन प्रोसीड बड़े आराम से, डोंट जंप इनटू अ कंक्लूजन। क्योंकि डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, काफ़ी दफ़ा ये आखिरी चॉइस भी होती है लोगों की कि उन्होंने इसी रिलेशनशिप में खुश दिली के साथ रहना है, क्योंकि वो जो मोहब्बत है ना, इट सरपासेस ऑल। काफ़ी दफ़ा ऐसा नहीं भी होता है, वी आर नॉट टू ब्लेम आइदर केसेस, जो रहना चाहते हैं वो भी, जो नहीं रहना चाहते वो भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिलीजन में ये वाली फ्रीडम मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि ये भी होता है कि चलें उस वक्त एक हंगामा हो गया, कुछ चीज़ें कंट्रोल कर ली, जैसे आपने बताई कुछ नहीं की, इज देयर एनी होप फॉर सर्वाइवल कि ये रिलेशनशिप चल जाएगा या बस अब ख़त्म ही हो गया सब कुछ? ये और फिर ये कि एक तो चलेगा जी, और ये कि वो प्यार मोहब्बत के साथ चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बड़ा सब्जेक्टिव है, लोगों पे डिपेंड करता है। कुछ लोग हिस्ट्री से बहुत जुड़े होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये मेरे अब्बू का पेन था, ये तो मैं नहीं फेंकने लगी या लगा, ठीक है। ऐसे जो लोग हैं, ऐसी ख्वातीन या हजरात, उन्होंने एक हिस्ट्री बिल्ड की हुई होती है 15 सालों में 7 सालों में 5 सालों में, वो उस हिस्ट्री को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है। तो वो इस एक बहुत बड़ी गलती, लेकिन वो इससे आगे चलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। कुछ लोग ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं और वो कहते हैं कि ये इसने सारा कुछ खत्म कर दिया, जबकि डॉक्टर साहब ऐसा होता नहीं है। जो आप किसी के साथ फील या बिल्ड कर चुके होते हैं उसकी वाकई हैसियत होती है और वो वहीं पर रहती है। अच्छा कई दफा ऐसे भी होता है कि स्पाउस कहते हैं, स्पेशली मर्द हजरात कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो कुलीग है ऑफिस में और हम तो सिर्फ चिट चैट करते हैं। कई दफ़ा मैंने ऐसे भी बड़ी उम्र के अंकल्स को देखा है जो रिटायर हो गए हैं और वो फेसबुक पे उन्होंने पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड बनाई हुई है और उनसे बहुत खुला हंसी मजाक हो रहा है और बीवी को कहते हैं नहीं भाई ये तो मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ उसके साथ, ये कुछ भी नहीं है। उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए एक ये तो उन्हें डिनाइल हो रहा होता है, उसको हैंडल करने का सादा सा तरीका है, जो रूल्स आपके लिए ठीक हैं फिर वो रूल्स मेरे लिए भी ठीक हैं, ठीक है। तो अगर वो ठीक है तो वो एक हाउस होल्ड रूल है। और अगर किसी एक शख्स को लग रहा है कि नहीं कुछ ठीक नहीं है, मैंने कहा ना ये अनसेड अनरिटन लॉज हैं, ये मॉरल कोड्स हैं, अगर ये मॉरल कोड टूट रहा है तो फिर इसका मतलब है कि ये ठीक नहीं है। और किसी भी फरीक ने ये जिक्र किया कि ऐसा हो रहा है तो उसको आपको लेना पड़ेगा इनटू योर कंसिडरेशन कि आज ये मॉरल कोड ठीक नहीं है, क्योंकि फिर वो मॉरल कोड सबके लिए चलेगा। हस्बैंड कह रहे हैं तो वही वाइफ के लिए चलेगा, वही नेक्स्ट जनरेशन के लिए चलेगा। आपकी बेटी, आपके बेटी का हस्बैंड, आपका बेटा बेटे की वाइफ, देन एवरीबडी विल फॉलो द सेम कोड एंड आर यू ओके विद दैट? अच्छा ये भी बड़ा इशू है। अच्छा एक ये भी बताइए कि हमारी सोसाइटी में ये भी बहुत बड़ा इशू है कि बचपन से वही बात है, शादी की तैयारियां तो बहुत होती हैं लेकिन स्किल बिल्डिंग नहीं होती बचपन से। अब अगर एक मर्द है या औरत है, आप चाह रही हैं कि जी अब वो शादी हो गई है और उनके अब इस किस्म के इश्यूज आ रहे हैं कि वो ये करें, वो आपस में प्यार मोहब्बत का रिलेशनशिप करें, वो ट्रस्ट बिल्ड करें, लेकिन वो ये कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको कैसे मतलब क्या करना चाहिए? प्रोफेशनल हेल्प लें, हेल्प कितना फ़ायदा देती है, या क्या काम करें फिर उस रिलेशनशिप में कैसे रहें? वो निकलना भी नहीं चाह रहे उस रिलेशनशिप से। ऐसा है कि प्रोफेशनल हेल्प आपको इसलिए चाहिए कि जब ऐसी चीज़ें जो आपने कहा आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिली है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, क्योंकि ये एक बायस डेटा दे रही है, वो आपकी तरफ एक झुकाव रखते हैं आपका, लगेंगी। जी जी, और फिर वो आपके स्पाउस को भी उसी नज़र से देखते हैं, सही, जबकि एन मुमकिन है इसमें आपका भी कुछ कसूर हो सकता है, कहीं आपने भी कुछ मिस्टेक की होती है। टू कीप द थिंग्स बैलेंस्ड,
एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल हेल्प वो हेल्प है कि जो फरीकैन है वो दोनों को पता है कि ये मेरी फैमिली फ्रेंड नहीं है, ये मेरे फैमिली फ्रेंड नहीं है, और वो आपको प्रोफेशनल रास्ता बताएंगे. ये जो आप कह रहे हैं ना ट्रस्ट बिल्डिंग ही नहीं हो पा रही तो क्या करें, इसका मतलब है कि ये बात इन दोनों की नहीं है, ये बात और पीछे की है, दोनों में से किसी की पेरेंट्स में ट्रस्ट का फैक्टर नहीं था. इंशाल्लाह इस पे हम अभी बात करते हैं, यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक. नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगु चल रही है और इसमें अभी हमने कुछ एलिमेंट्स को भी कवर करना है. जी तस्मीरा, हम बात कर रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि इनफिडेलिटी का है, जबकि हस्बैंड वाइफ जहाँ उनमें प्यार मोहब्बत होनी चाहिए वो इधर उधर मोहब्बतों में इन्वॉल्व हो गए. मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि हस्बैंड वाइफ के ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं किस किस्म के आपके पास आते हैं. देखिए ट्रस्ट इश्यूज़ जो है ना हस्बैंड वाइफ बनने से पहले ही उन पर्सनालिटीज़ में मौजूद होती हैं, तो ये तो कोई अनलकी कोइंसिडेंस होगा कि दोनों को ही ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए. लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ तब आते हैं जब बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होता, या सिग्निफिकेंट अदर्स के साथ, सिग्निफिकेंट बड़ों के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता. कोई खौफ कोई डर बैठा हुआ होता है, तो उसमें ट्रस्ट, देन ट्रस्ट इश्यूज से कमिटमेंट, कमिटमेंट इश्यूज से रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं. तो ये हमें अपब्रिंगिंग में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. मेंटल कंपैटिबिलिटी की हम बात करते हैं, उसका होना कितना ज़रूरी है और उसको कैसे चेकआउट किया जाए. मेंटल कंपैटिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है. जहाँ मेंटल कंपैटिबिलिटी होगी वहाँ इनफिडेलिटी का रेट जो है वैसे ही गिर जाएगा, और इनफिडेलिटी के केसेस नहीं होंगे. व्हेन पीपल आर कंपैटिबल दे आर इंटरेस्टिंग एंड दे आर चैलेंजिंग फॉर ईच अदर. चैलेंजेस कीप यू ऑन योर टोज. एक बोरिंग चीज़ इट डज नॉट, आप ड्रिफ्ट हो जाते हैं. आप कोई बोरिंग कहानी पढ़ना शुरू हो जाए आपका जहन ड्रिफ्ट हो जाएगा. लेकिन कौन से फिर बेयर मिनिमम चीज़ें हैं जो हम एक शादीशुदा जिंदगी में ज़रूर चेक करें कि ये मौजूद होनी चाहिए. आप गोरे रंग के बजाय केमिस्ट्री चेक कर लें, मेंटल कैपेबिलिटी चेक कर लें, दिमाग के रंग चेक करें. जी दिमाग के रंग चेक कर लें, स्किन कलर को छोड़ दें, तो फिर थिंग्स विल बी वेरी वेरी कंपैटिबल. अ 4'9" हाइट गर्ल विद अ 6'2" मैन कैन सर्वाइव वेरी हैप्पीली इफ ओवर हेयर उनके अपने कंपैटिबिलिटी बहुत कंपैटिबल. अच्छा ये जो इस किस्म के केसेस होते हैं जिसमें चीटिंग होती है, इसमें कोई एज डिफरेंस भी है, यानी कि यंगर कपल्स में ज्यादा होता है या ओल्डर कपल्स में ज्यादा होता है. जो आपने एक प्रोग्राम के शुरू में बात की अंकल्स आ रहे होते हैं, तो मैं तो आपको जो है एक अनस्ट्रक्चर्ड सी ऑब्जर्वेशन बताऊंगी अपनी प्रैक्टिस में कि जी काफ़ी अंकल्स आ रहे होते हैं. काफ़ी यूथ जो है ना वो जो हलाल रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में दे कमिट एंड दे गेट आउट ऑफ इट इन अ हलाल फैशन. दे आर क्विक टू डू इट, टाइम रिलेटेड नहीं है. जो हमारी थोड़ी सी एल्डर जनरेशन है उनका ये है कि उन्होंने सोशल प्रेशर के अंदर उस नाम और उस टैग रिलेशनशिप को पकड़ के भी रखना है, लेकिन उसमें जो है ना कमिटमेंट में खराबी को वो लेके चलते रहते हैं. यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि बच्चों पे क्या इम्पैक्ट्स जाते हैं जब एक कपल है उसमें कोई एक चीटिंग पार्टनर है और उसके असरात दूसरा ले रहा है, तो बच्चे. सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये मत समझिए कि बच्चों को पता नहीं चला. प्लीज़ डू नॉट थिंक. आप ऐसा करें कि घर में ना रात को चुपके से चिप्स ला के खा लें और फिर आप पता कर लें कि सुबह बच्चों को पता चला है या नहीं. किड्स नो इट. सो छुपाने की एक्स्ट्रा कोशिश वो भी फजूल होती है. वंस दे नो इट तो फिर जो बार उन्होंने सेट किया होता है, याद रखिए पेरेंट्स उनके लिए ना बहुत कुछ होते हैं, एवरीथिंग. तो फादर उस बार से नीचे हो जाते हैं या मदर उस बार से नीचे हो जाती हैं. अगेन द ट्रस्ट इश्यूज दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, नाउ दे कैन नॉट ट्रस्ट अदर पीपल बिकॉज वो लोग जिन्हें जिन पे उनका सबसे ज़्यादा यकीन था और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था वो टूट गया, तो अब वो उनकी ज़िंदगी की हर चीज़ में अफेक्ट करेगा. सही. तस्मीरा हम इस टाइम पे हमारा एक बड़ा स्पेशल सेगमेंट भी होता है जिसको हम कहते हैं आपका सवाल और हमारा जवाब. मेरे पास दो सिचुएशंस आई हुई थी तो मैंने सोचा कि आज आप मौजूद हैं स्टूडियो में तो आपके साथ मिलके इसको डिस्कस कर लेते हैं. एक ही आ रही है कि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास ख़ानदान से है. अभी कुछ अर्सा पहले एक बहुत अच्छे कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ, मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गया. वहाँ मेरे बहुत से दोस्त हैं, इनके साथ उठना बैठना और कमरा शेयर करना एक मामूल है, मगर मैं कुछ अर्से से अपने अंदर एक बेचैनी और तब्दीली महसूस कर रहा हूँ. मुझे अपने रूममेट के लिए ऐसे जज्बात महसूस हो रहे हैं कि मुझे एहसास से जुर्म दे रहे हैं. मैं अपने आप को रोकता भी हूँ और कभी स्लिप कर जाता हूँ. मेरी मदद फरमाएं. यानी कि ये कोई मेल हजरात हैं और उनके साथ ये मसला हो रहा है कि हॉस्टल में जाके उनको
सेम सेक्स के लिए एक नॉर्मल किस्म की जो है अट्रैक्शन महसूस हो रही है, तो इसको कैसे एड्रेस किया जाए? देखिए, अब जो है ना चीज़ें बहुत अननेचुरल हो गई हैं. पढ़ाई का प्रेशर अननेचुरल है, ठीक है. फैमिली से दूरी एक अननेचुरल चीज़ है. फिर आप एक शख्स के साथ हैं जिसके साथ जब आप एक कमरे में रह रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ड्रेसिंग का ख्याल छोड़ देते हैं. इस वक्त मैं आपके सामने ऐसे बैठी हूँ, अगर ये दिनों में तब्दील हो जाए चीज़, तो मेरी टांगें चेयर के ऊपर आ जाएंगी, उसके बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाऊँगी, ठीक है. तो वो जो एक हद होनी चाहिए दो लोगों के बीच में, वो ख़त्म होती चली जाती है. जैसे ही ऐसी कोई फीलिंग्स आपकी हो रही हैं जो आपके नेचर के ख़िलाफ़ चल रही हैं, एनवायरनमेंट को सबसे पहले चेंज करके देखिए, ठीक है. जो ट्रिगर्स हैं एनवायरनमेंट पे उनको फिक्स करें, उनको, हाँ जी, मतलब अब उस शख्स से उनकी दूरी होनी चाहिए. सही. अब उन्हें घर जाना चाहिए और फिर उन्हें पता चलेगा कि ये इन चीज़ों की वजह से थी. और मैं आपको बता दूं कि अभी इस मौके पे अगर उनकी शादी हो जाती है, सो मैनी थिंग्स विल गेट सेटल्ड. बहुत सी चीज़ें, ये केसेस आप बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स में ही सुनते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी सेम सेक्स की होती है, परमिशन सेम सेक्स का होता है, एंटरटेनमेंट सेम होता है. इसी बच्चे को कहिए कि पहले आप एक घंटा जिम लगाएंगे, उसके बाद आप क्रिकेट खेलेंगे और रोजे रखेंगे, जो कि बताया गया है कि जब आपकी शहवत आपके करना हो तो आप क्या करें, आप उसको वो करेंगे. एंड देन यू विल स्टडी. उसके बाद जब आप तकिए पे जाएंगे या कमरे में घुसेंगे, सीधा आप सोने के अलावा आपके जहन में और कोई बात नहीं आएगी. इसी किस्म का मिलता जुलता थोड़ा सा डिफरेंट केस है. वो कह रही है कि मैं एक मदरसे में पढ़ने जाती हूँ, वहाँ की बाजी मुझे बहुत मोहब्बत और प्यार से पढ़ाती हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं. मेरा दिल चाहता है कि बस वो सिर्फ मुझसे बात करें और मुझे ही पढ़ाएं और किसी और की तारीफ़ भी ना करें. मुझे मालूम है कि ऐसा मुमकिन नहीं और तमाम तलबा का उस्ताद पे हक होता है, मैं अपने जज्बात का क्या करूँ. यानी कि टीचर के साथ ऐसी एसोसिएशन हो जाती है कि बस वो मेरे पास ही बैठें और मेरी ही बात सुने, ये बिहेवियर क्यों आना शुरू हो जाता है? इसमें कोई हमें जिंसी मिलान तो नहीं नजर आ रहा? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इसमें बिल्कुल क्लियर कट है. ये इस बच्ची को अटेंशन चाहिए जो इसे नहीं मिल रही. आज यही शफकत का हाथ इसकी वालदा रखती हैं या वालिद रखते हैं या खाला रखती हैं या दादी के साथ वो हो जाता है, उसकी वो नीड ही ख़त्म हो जाती है. फिर उसे टीचर की पोजीशन में ही नजर आएंगी, उसको ये जेलसी नहीं होगी कि ये तमाम अटेंशन इनकी मुझे चाहिए. पीछे से अटेंशन की कमी आ रही है तो वो अटेंशन को कहीं और ढूंढते हैं. ये सिर्फ ये केस नहीं है, ऐसी बच्चियाँ जो इन्वॉल्व होती हैं अनलॉफुली विद अदर मेन एज वेल, वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर ही होता है. सही. जो अटेंशन ड्यू मिल नहीं रहा, ठीक है. अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी जानना चाहूंगी कि बचपन से जैसे पेरेंट्स होते हैं वो तो कहते हैं हम तो हर वक्त अपने बच्चों को अटेंशन दे रहे होते हैं, हम उनके तो उनका मामलात समेट रहे होते हैं, खाना खिलाना, स्कूल, पढ़ाई, तो फिर और कौन सी अटेंशन चाहिए? क्वालिटी टाइम. अच्छा. आप खाने में जो है ना बिरयानी की जगह आप अंडे उबाल के रख दें, लेकिन जब वो खा रहे हैं तो आप भी वहाँ पे हैं और आप उनकी टोटल नॉनसेंस सुन रहे हैं, बिल्कुल नॉनसेंस. उस वक्त आपके हाथ में आपका मोबाइल नहीं है, साइड पे रख दीजिए, या आप फ़ोन पे नहीं है, या आप किसी और से भी बात नहीं करें, आप उनकी तरफ मुतवज्जो हों, ये वाली अटेंशन उन्हें चाहिए. सही. आप जब वो आप आए हैं या वो आए हैं, उस वक्त आपने पूछा आपका दिन कैसा गुजरा. सही. और आपको पता हो कि आज दिन में स्पेशल था क्या, ठीक है, या आपने मिजाज से भांप लिया, आज दिन में बुरा क्या हुआ. सही. और उस बुरी फीलिंग को कम करने में आपका बड़ा मस्बत किरदार रहा पेरेंट्स का, ठीक है, या सिग्निफिकेंट बड़े भाई बहनों का. तो फिर जो है दिस इज द अटेंशन दैट दे वांट. ये नहीं कि आपने उन्हें ना ये वक्त नहीं दिया, उसकी जगह घर आते हुए जो है ना आप उनके लिए चार जीन्स. अच्छा, मैं इसके एक और एक्सट्रीम साइड पे भी देखती हूँ, क्योंकि ऐसे जब केसेस आते हैं तो वालदैन जब सुनते हैं कि अच्छा हमने बच्चों को अटेंशन नहीं दी तो हम देना शुरू कर दें, वो ओवर पैम्पर कर देते हैं. वे टू ड्रॉ द लाइन, आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक्सेसिव अटेंशन दे रहे हैं और पेरेंट्स ही मैनिपुलेट होना शुरू हो गए इस प्यार मोहब्बत में? इसका लिटमस टेस्ट बच्चों का बिहेवियर होता है. सही. जब आप ओवर करना शुरू कर रहे हैं तो आप देखेंगे इन ग्रैटिट्यूड आ गया है. सही. अब वो जो चीज़ें ले रहे हैं ना उससे कोई फर्क पड़ रहा है और वो समझ रहे हैं हमारा हक है. ठीक है. तो आप समझ जाएं कि आपने ओवर करना शुरू कर दिया है और अपनी लिमिट्स को डिफाइन करें, पीछे जाएं. ठीक है. सो देखिए, कोई कोड बुक
ना बच्चों के साथ आती है, और हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल सही। खुद को भी मिस्टेक्स की गुंजाइश पेरेंट्स दे सकते हैं, ट्रायल एंड एरर चलता रहता है, नमनेस नहीं आनी चाहिए। आप सो मत जाइए, आप कहें कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ। कुछ पेरेंट्स का ये ख्याल होता है, नहीं हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे वरना ये बिगड़ जाएंगे। हाँ। नहीं, आप अप्रिशिएट करें, लेकिन ओवर अप्रिशिएट ना करें। फैक्ट्स के ऊपर कर, हाँ जी, फैक्ट्स के ऊपर बेस कर। आज मेरे बच्चे ने इतना काम किया, क्या किया उन्होंने, अपना ही बेड ठीक किया है, नहीं इट्स ओके। लेकिन यस, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट, तो यू विल से कि नहीं, इतना रिस्पॉन्सिबल बच्चा या बच्ची है कि ये अपनी चीज़ों का ठीक तरीके से ख्याल करते हैं। अच्छा, जब हम ये डिफरेंट रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, फिर बहन भाई और सारे जो हैं प्यार मोहब्बत के जितने हमारे ताल्लुकात हैं, इसमें मर्द और औरत में आपने फ़र्क महसूस किया है या एक जैसा ही होता है इनका एक्सप्रेशन भी और आगे डीलिंग भी, और मतलब वही बात है, पूरा रख रखाव भी? देखिए, एक्सप्रेशन में बहुत फ़र्क है, डीलिंग में बहुत फ़र्क है, यहाँ पे बहुत फर्क। आप तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही हैं। मैं बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही हूँ कि बुज़ुर्ग कहा करते हैं ना कि नहीं ये तो बेटी है, इस पे हाथ नहीं उठाया जा सकता, इस पे उठाया जा सकता है। दे आर मोर, फीमेल्स आर एक्सप्रेसिव एंड लाइक एक्सप्रेशन। अगर आप अपनी वाइफ को कहेंगे कि खाना अच्छा बना था, तो ये बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए। अगर तो फीमेल क्या कहे हस्बैंड को, फीमेल क्लोज डोर्स, आप उन्हें जो है ना उस लेवल पे उन्हें बिल्कुल टीनेजर तरीके से ये एहसास दिलाएंगे, और ये एहसास दिलाना चाहिए इवन व्हेन यू आर 60 और 70, यू आर माय हीरो। आप जो खुद फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करना तो बहुत ज़रूरी है। मैं बल्कि अपना एक केस बताऊं, हस्बैंड ने कहा जब मैं खाता हूँ इतने शौक से तो इसका यही मतलब है ना कि बहुत बहुत पसंद करता हूँ, और उनकी वाइफ ये कंप्लेन करती है इन्होंने कभी भी नहीं कहा, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ। तो उनके लिए हस्बैंड को ये पता ही नहीं है कि एक्सप्रेशन कितना ज़रूरी है, कि आपने नई डिश बनाई मेरे लिए बनाई, थैंक यू वेरी मच, अब हम साथ खाते हैं, लिटिल थिंग्स दैट मैटर, लेकिन उसका इंपैक्ट कैसे सिखाया जाए, क्योंकि हमारी तो सोसाइटी में सिखाया जाता है कि मर्द जो है वो नीचे लग जाएगा अगर उसने ऐसा कोई एक्सप्रेशन दे दिया। सबसे पहले मर्द इस चीज को एक कॉम्प्लीमेंट लेने लगे जब उन्हें कोई कहे कि जन मुरीद है, तो आप कहें वाओ, मैंने तो ये अचीव कर लिया कि मैं किसी और को अपने घर में लाया, अपनी फैमिली में उसे रखा, और आज मुझे ये टाइटल मिल रहा है कि मैंने इतनी अच्छी तरह से रखा है कि मैं मुरीद हूँ उसका। बिल्कुल सही बात। और यही वाला टाइटल औरत के लिए भी ठीक है जी, जब मैके में कहा जाता है तुम तो बिल्कुल ससुराल की हो गई, अपने हस्बैंड की हो गई, तो दैट इज एन अचीवमेंट। इसको नेगेटिव ना लिया जाए, इसको समझे देन यू हैव डन अ गुड जॉब। ठीक है, चलें, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी।